अगर आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप लोग 100% अपने फ्रीज चैनल को आप लोग अनफ्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम होता है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होता है इन्फी यूट्यूब चैनल, आप सभी का हमारा चैनल स्वागत है। आज के वीडियो आप लोगों ने वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल का जान चुका होगा, वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है आज के वीडियो। यहाँ पर मैं वीडियो व्यूज प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपकी वीडियो पर अगर 20 30 40 50 व्यूज आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाँ, अगर आपकी वीडियो पर अगर व्यूज ज़्यादा आते हैं तो ये वीडियो छोड़कर चले जाएँ, आपको यहाँ पर कुछ काम नहीं है, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करना हमारा काम नहीं होता। अगर आपकी वीडियो पर अगर 20 से लेकर 30 40 50 तक अगर इससे नीचे व्यूज आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया हुआ है, आपको लेकर ही इस वीडियो का टॉपिक हुआ है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अगर इस वीडियो को अगर एंड तक देख लिया तो आप लोग 100% आप लोग अपने चैनल पर अच्छे खासे व्यूज पाओगे। तो इससे अगर आपके चैनल पर व्यूज ना आना, इसी को हम फ्रीज बोलते हैं, आपका चैनल फ्रीज हो गया, इसी को हम फ्रीज का नाम दे देते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके चैनल पर क्या होता है, आपके चैनल पर क्या प्रोसेस होता है फ्रीज के लिए, आपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया तो आपका पहला वीडियो तो मतलब वायरल हो गया, उस पर अच्छे खासे व्यूज आ गए, बट अगर आप लोग जो न्यू वीडियो अपलोड करते हो वहाँ पर व्यूज नहीं आते हैं तो इसी को हम फ्रीज बोलते हैं। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि फ्रीज किसको बोलते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है चैनल मतलब फ्रीज चैनल को अनफ्रीज कैसे करते हैं। और अगर आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप लोग 100% अपने फ्रीज चैनल को आप लोग अनफ्रीज कर सकते हो, 100% कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरा इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपने एंड तक देख लिया तो ऐसा ट्रिक अभी तक यूट्यूब ने मतलब यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया हुआ है, जो कि मैं ट्रिक आप लोगों को आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बताते हैं कि फ्रीज कैसे होता है और फ्रीज अगर हो गया तो इसको अनफ्रीज कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट अस गो। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि फ्रीज कैसे होता है, हम लोग ऐसे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा चैनल फ्रीज हो जाता है। तो पहला मिस्टेक आप लोगों की मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि सभी न्यू यूट्यूबर करते हैं और मैं भी करता हूँ, मतलब मैंने भी किया था, तभी हमको मालूम पड़ा कि यह मिस्टेक करने से हमारा चैनल फ्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले मिस्टेक आता है दोस्तों, आपके वीडियो को हटाना और फिर अपलोड करना, हटाना अपलोड करना, यह प्रक्रिया करना चैनल फ्रीज को साबित करता है। लोग इस प्रकार से करते हैं कि चैनल पर वीडियो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद 3-4 घंटे के बाद फिर उस वीडियो को चेक करते हैं तो उस वीडियो पर व्यूज अच्छे नहीं मिलते हैं और उस वीडियो का इंप्रेशन डाउन मिलता है, मतलब इंप्रेशन डाउन मिलता है, और इंप्रेशन डाउन देखते ही लोग उस वीडियो को हटाकर और सोचते हैं कि इसी वीडियो को मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ तो हो सकता है कि वायरल चला जाए। तो यह गलती फ्रीज होने को साबित करती है। तो आप लोग पहले गलती जान चुके होंगे, अब बात आती है यहाँ पर दूसरी मिस्टेक के बारे में। दूसरी मिस्टेक होने वाली दोस्तों यहाँ पर देखो, अपने मोबाइल से अपनी वीडियो को वॉच करना, अपने मोबाइल से अपनी वीडियो को देखना, यह दूसरी मिस्टेक होती है चैनल फ्रीज करने के लिए। आपको ऐसी गलती अब भूलकर नहीं करना है, आपको पता हो गया अब आपको ऐसी गलती नहीं करना है, चाहे वो आपका फ़ोन हो चाहे अपनी फैमिली का फ़ोन हो, आपको अपना वीडियो खुद नहीं देखना है। अगर आप लोग ऐसी गलती करोगे तो आपका चैनल फ्रीज होगा ही। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर दूसरी गलती जान चुके होंगे, अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरी इंपॉर्टेंट गलती के बारे में, जो कि चैनल को फ्रीज होने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है यह गलती। इसलिए आपको यह गलती को भूलकर भी कभी भी नहीं करना है। यह गलती है आपके यहाँ पर देखो मैक्सिक कॉन्टेंट। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने चैनल पर अगर मैक्सिक कॉन्टेंट की वीडियो अगर अपलोड करते हो तो यह चैनल फ्रीज 100% कर ही देता है। इसलिए आपको कभी भी अपने चैनल पर मैक्सिक कॉन्टेंट नहीं डालना है, भूलकर भी नहीं डालना है। अब बात करेंगे कि मैक्स कंटेंट होता क्या है। मैक्स कंटेंट दोस्तों यह होता है कि आपने मतलब कभी अपने चैनल पर गेम का वीडियो अपलोड कर दिया, कभी आपने साइंस एंड टेक का वीडियो अपलोड कर दिया, और कभी आपने यहाँ पर एजुकेशन कैटेगरी का वीडियो अपलोड कर दिया। आपको मतलब एक ही कैटेगरी का वीडियो अपलोड करना है। अगर आप लोग अपने चैनल पर अगर अनेक सारी कैटेगरी के वीडियो अपलोड करते हो तो आपका 100% दोस्तों आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ नहीं पाता है कि आपका मतलब आपका चैनल किस कैटेगरी का है, इसलिए भाई आपकी मतलब चैनल की रीच होती ना उसको डाउन कर देता है और इंप्रेशन को वो छोड़ देता है बढ़ाना, इसलिए आपका चैनल पर व्यू जाना स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो कन्फ्यूज हो जाता है कि आपका चैनल की कैटेगरी है क्या, इसलिए आपका चैनल का रीच कम हो जाता है, एम्प्रेशन डाउन हो जाता है और आपके चैनल को फ्रीज कर देता है। आपको भूलकर भी यह 3 गलती अब नहीं करना है, और आपको मतलब ये गलती ना करने के साथ साथ अब आपको अपने चैनल पर आपको डेली काम करना है, मतलब आपको अब कंटिन्यू काम करना है, तभी आप लोग अपने चैनल को अनफ्रीज कर पाओगे। ओके, और काम करने के साथ साथ आपको सबसे पहले आपको YouTube स्टूडियो को ऑन करना है, मतलब YouTube स्टूडियो आपको Google Chrome के अंदर
ऑन करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने किया ओपन, और आपको मतलब यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो, अब आपको अपने दिमाग में सोच लेना है कि हमको अपने चैनल पर किस कैटेगरी अनुसार वीडियो अपलोड करना है। आपको केवल एक ही मतलब कैटेगरी को सोचना है कि अब हमको मतलब एक ही कैटेगरी पर काम करना है, तो आपको वही कैटेगरी आपको यहाँ से सेट कर लेना है, और यहाँ सेट करने के बाद आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी पर काम करना है। अगर आप लोग अगर 15 दिन अगर आप लोग ऐसे काम मतलब कंटिन्यू काम करोगे और एक ही कैटेगरी पर अगर वीडियो अपलोड करोगे, तो आप लोग गारंटी से मैं कहता हूँ कि आपका चैनल 15 दिन में अनफ्रीज हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर सेट करना। चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।